नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इन खूबसूरत गुलाब को अपने पौधों में हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में खिलाना है तो अक्टूबर लास्ट और मिड नवंबर तक ये 5 काम अपने गुलाब के पौधे में जरूर कर लें, जिससे कि आपके पौधे में भर भर कर सुंदर छटकीले गुच्छों में बड़े बड़े साइज के गुलाब के फूल खिले। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से काम है। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं पुराने गुलाब जो कि पुराना हो चुका है, साथ ही नया गुलाब का पौधा और देसी गुलाब, तीनों पौधों के ऊपर किस तरह से इस टाइम पर हमें केयर करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से इस वक्त हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ताकि हमारे गुलाब के पौधे में आने वाले दिनों में बहुत ही भर भर कर ब्लूमिंग देखने को मिले, तो कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा ड्राई फर्टिलाइज़र देना है, सब कुछ कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस समय हम लोग गुलाब के पौधे में 4 से 5 काम कर लेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा भर भर कर ब्लूमिंग मिलेगा। तो हमें इस टाइम पे गुलाब के पौधे को प्रूनिंग करना है, प्रूनिंग सेटर को हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका गुलाब का पौधा गमले में लगा है तो उसे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून मत करिएगा, थोड़ी सी, अगर वो 3 फुट का पौधा है तो उसे कम से कम 2.5 फुट तक की प्रून हमें करनी है। और जो भी वीड वगैरह अनवांटेड पौधे उगे हुए हैं उनको भी हमें हटा लेना है और सारे पौधों की अच्छे से हमें छटाई कर देनी है, खराब पत्तियों को भी हटा देना है। देसी गुलाब देखिए, ये आप देख रहे हैं मेरा, तो इसको भी अच्छे से हमें हार्ड प्रून करना है। कभी भी हाइब्रिड गुलाब को हार्ड प्रून मत करिएगा अगर वो गमले में लगा हुआ है, और देसी गुलाब को हम लोग गमले वाले देसी गुलाब को भी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। जितना भी अनवांटेड एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उसको हमें हटा लेना है और मुख्यतः 1 या 3 ब्रांच रखेंगे, और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि होने का, यानी कि जो हवा का जो फ्लो होता है वो पौधे में अच्छे से हो, उस तरह से हमें एक्स्ट्रा अनवांटेड ब्रांचेस को भी खाली कर लेना है, जिससे कि जो नई ब्रांच फेंके उसको बढ़ने का जगह मिले, अच्छे से स्पेस मिल सके। तो इस तरह से देखिए आपने प्रून कर ली, और अब ये देखिए ये नया पौधा है, इसकी हल्की हल्की हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। ये 1 साल पुराना ही पौधा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो नए पौधों की हमें बस छोटी छोटी टिप्स की ही कटिंग करनी है, जिसे हम लोग पिंचिंग स्टाइल में कहते हैं कि पिंचिंग कर देना है। तो उसी तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग इसे हम लोगों को करनी है। हाइब्रिड गुलाब जो पुराना होता है उसे हम लोग थोड़ी सी सेमी हार्ड प्रूनिंग करेंगे जो गमले में लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इस दूसरे काम में हमें करना है, अच्छे से पॉट की गुड़ाई करनी है। पहला काम में हमें प्रूनिंग करना है, दूसरे काम में हमें पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से मिट्टी को फिर हम लोगों को खाली कर लेना है, और खाली करने के बाद देखिए इतनी हमें खाली करनी कि जब इसकी जड़ें हमें दिखने लगे बस हमें उतनी ही खाली करनी है, फिर ज़्यादा खाली मिट्टी को हमें नहीं करना। इसे रूट फिलिंग भी कहते हैं। देखिए इतने सारे मेरे जितने भी रोज़ के पौधे हैं सबके जड़ों के पास से मैंने मिट्टी हटा लिया, गमला खाली हो गया। अब इसे दिन भर मैं जो मिट्टी निकली है उसे सोलराइजेशन के लिए छोड़ूंगी, और ये जो पॉट की मिट्टी है इसको भी धूप में मैं शिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि जड़ों में अच्छे से धूप लग जाए। और ये काम करने से क्या होगा कि जो भी फंगस वगैरह का जो मानसून के दौरान हमारे मिट्टी में इन्फेक्शन हुआ है, नेमाटोड वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो सोलराइजेशन से कम होता है। और ये देखिए जीवंत स्वरूप है ये केचुआ, जो कि मिट्टी को अमृत बनाता है। इन केचुओं का आपकी मिट्टी में मिलना इस बात का सबूत है कि आपकी मिट्टी जैविक है, बहुत ही अच्छी है, इसमें केमिकल का कम से कम प्रयोग किया गया है, तो केचुओं को मिलना बहुत ही अच्छा संकेत है। तो बस इस तरह से सारे आपके जितने भी गुलाब के पौधे की जो पॉट है उसकी मिट्टी को खाली करते हुए उसको सोलराइजेशन के लिए छोड़ना है और जड़ों में धूप लगने देना है। उसके बाद आपने जो थर्ड काम आपने करनी है वो फंगीसाइड को, जिससे मैंने जिस तरह से मैंने ग्लास में लिक्विड बना लिया और जितने भी खुले पार्ट हैं उन सभी में अच्छे से फंगीसाइड अप्लाई करना है। आपने जितने भी कट मार्क करने हैं, प्रूनिंग करना है 45° एंगल पर पॉसिबल हो तो कट करिएगा, और शार्प टूल से ही कट करिएगा। अगर जंग लगा हुआ है या फिर इन्फेक्टेड प्रूनर सेटर है तो उससे डाईबैक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से फंगीसाइड का अप्लाई कर लेने से डाईबैक की प्रॉब्लम थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उन सब में ग्लव्स पहनने के बाद ही फंगीसाइड का अप्लाई करें, वरना किसी ब्रश की सहायता से फंगीसाइड अप्लाई करें। और ये मिट्टी धूप में दिन भर रहेगी। ये काम मैं सुबह कर रही हूँ, 9 से 10 बजे तक मैंने 1 घंटे में इतने सारे काम किए हैं। उसके बाद मैं शाम को इस पर वर्क करूँगी, फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करूँगी।
तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर और एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है दोस्तों। तो अब चलिए, ये ड्राई फर्टिलाइज़र मैं इस अपने रोज़ के पौधे पर दूंगी, तो क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है बर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे के लिए। चाहे तो आप लीफ कंपोस्ट दे दें, चाहे तो बर्मी कंपोस्ट दे दें या काउडंग कंपोस्ट दे दें, सारा ही जो भी कंपोस्ट आप देंगे फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। ये सरसों खली है, इसे पौधे की बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है, ग्रोथ होता है। बर्मी कंपोस्ट देना है, सरसों खली देना है, ये नीम खली एंटी फंगल का काम करता है। नीम खली देने से कोई भी फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। NPK भी इसमें अच्छी रेशियो में भी होती है। सरसों की खली से देने से पौधे में बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलता है। और एप्सम सॉल्ट जड़ों के विकास के लिए, पत्तों में ग्रीनरी के लिए, पत्तियों की ग्रोथ के लिए, प्रकाश संश्लेषण तेज कराने के लिए ये ज़रूरी होती है। और ये सी वीड के ग्रैन्यूल्स है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिससे पौधे की संपूर्ण विकास होगी। तो इस तरह से ये डाई फर्टिलाइजर मिक्स करना है, प्रत्येक पॉट के लिए आपको तैयार करना है। तो एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और 2 से 3 चम्मच सरसों खली आप दे सकते हैं पाउडर फॉर्म में। साथ ही हमें बोन मील डालनी है, कैल्शियम का स्रोत होता है, फास्फोरस का स्रोत होता है, इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप उसकी जगह पे थोड़ी सी चूना या थोड़ी सी चौक आप ले सकते हैं। इस तरह से आप सारे पॉट को इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो दिन भर ही हमने छोड़ी थी इस पॉट को ड्राई होने के लिए मिट्टी को, बस देखिए इस तरह से ये दिन भर रखने के बाद सनलाइट में इस तरह से शाम को मैं इसको रूट फिलिंग करूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है दोस्तों, मानसून के बाद ये राइट टाइम है। आपको इस समय अपने आने वाले दिनों में गुलाब के पौधे पर अच्छी फूल लेनी है, तो आपको इस टाइम पर ये काम करने ही हैं। रूट फिलिंग करने के बाद आपने फिर जो मिट्टी दिन भर सोलराइजेशन किया है उसको फिर उसी मिट्टी से हमें इसको कवर करना है दोस्तों। इसे ऐसे कवर करने से क्या होगा कि आपकी जो जड़ों में तुरंत ही न्यूट्रिशन मिल जाएगी पौधे को, और चींटियां भी नहीं लगेगी और किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा। रोज़ के पौधे की जड़ों को थोड़ा सा धूप दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है, साल में कम से कम एक बार, अक्टूबर लास्ट और नवंबर मिड नवंबर तक आप ये काम करें। बारिशें पूर्णतः ख़त्म हो जानी चाहिए तभी हमें ये काम करने हैं। ये काम करने अभी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने तीनों तरह के पौधे के ऊपर काम किया है, और दोस्तों अब ये जो दाना आप लोग देख रहे हैं ये गुलाब के पौधे के लिए रामबाण है, जो कि आने वाले समय में भर भर कर हजारों सैकड़ों फूल खिलाने में मददगार होगी। ये है दोस्तों DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। हर पॉट यानी कि 10 इंच का पॉट है तो 10 दाना दीजिए, पौधा अगर नया है तो 7 दाना कर दीजिए, पॉट अगर 12 इंच का है तो 12 दाना आप दीजिए। पॉट के इंचेस के हिसाब से और पौधों की एज के हिसाब से ही DAP डालनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं DAP का प्रयोग करती हूँ। और जड़ों से दूर देना है हमें, क्योंकि एक केमिकल है, और गमले के रिम के चारों तरफ जिस तरह से मैं डाल रही हूँ देखिए गोलाकार करके, इसी तरह आपने भी अप्लाई करना है DAP को। डायरेक्ट मेन रूट बॉल है दोस्तों, और जो मेन ट्रंक है उससे दूर करके हमें डालना है। और उसके बाद जो ये मिट्टी हमने दिन भर धूप में सुखाई है, इसी को जो पॉट से निकला है ये वही वाली मिट्टी है, ये पुरानी ही मिट्टी है पॉट की। सबको अच्छे से धूप दिखाने के बाद एक एक करके सारे पॉट में ये फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इसको देखिए इस तरह से फिल करिए धीरे धीरे। इससे क्या होता है कि मिट्टी भी हल्की हो गई, जड़े भी आपके धूप लग गया है, और फिर से जो सॉइल हमने ऊपर से भरी है उससे क्या होगा कि मिट्टी बहुत हल्की हो गई है, और जो फर्टिलाइज़र हमने डाली है तुरंत ही पौधे को अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने चौथा काम दोस्तों यही करना है कि आपने फंगीसाइड का अच्छे से स्प्रे करना है आपके सारे पौधे में। तो ये 2 लीटर का मेरा स्प्रेयर बोतल है, इसमें 1 चम्मच फंगीसाइड डालकर अच्छे से मैं पूरे पौधे में ऊपर नीचे अच्छे से स्प्रे करूँगी, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा माइट्स एफिड और स्केल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो वो नहीं मिलेगा। माइट्स का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थीटा भी डाल सकते हैं, ओमाइट भी डाल सकते हैं, एमिडाक्लोप्रेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर जब नई नई पत्तियाँ निकलेगी उस समय एमिडाक्लोप्रेट का मैं स्प्रे करूँगी। फिलहाल तो इसमें फंगीसाइड और डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं हो,
तो इसलिए पूरे सारे पौधे में, चाहे हाइब्रिड रोज़ हो, चाहे देसी रोज़ हो, चाहे ओल्ड रोज़ का प्लांट हो, चाहे न्यू रोज़ का प्लांट हो, सब में अच्छे से अप्लाई करना है। ये काम करते करते दोस्तों देखिए काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे गमले हैं। उसके बाद दोस्तों एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हमें देना है, और इसका जादू देखिए ये वाइट कलर का है, पानी में डालते ही ये रेड हो जाता है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र? अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये जादुई घोल है, पानी में डालते ही ये कलर अपना चेंज कर देता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार ये लाल हो गया है, ना लग रहा है ना कि ये जंग लगा हुआ पानी है? तो दोस्तों ये आयरन है, आयरन मतलब फेरस सल्फेट का पाउडर मैंने एक गिलास पानी में एक स्पून डालकर 12 इंच के पॉट में इसको मैं अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरह से, यानी कि जो रोज़ का पौधा होता है उसे आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए ये आयरन का ये पाउडर है, आयरन आप इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। माइक्रो न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र है, ये फेरस सल्फेट है, बहुत ही ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे में। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप 4-5 किलो को रात भर भींगो दे, जंग लगे हुए किलो को, और फिर वो पानी आप दे दे, यानी कि कोई भी जंग लगा लोहा पानी में डालकर वो पानी भी आप गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से देने के बाद, उसके बाद अच्छे से हमें पानी देना है, क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र डालिए। अच्छे से पानी देने के बाद दोस्तों तकरीबन हफ्ते भर से 10 दिन के अंदर इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मैं अगली वीडियो में डालूंगी जब इसकी ग्रोथ होगी, और उसके बाद क्या क्या करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ, बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।